विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज अब रामलला के दरबार पहुंचकर अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं 14 सितंबर से आम आदमी पार्टी तिरंगा यात्रा की शुरुआत रामनगरी अयोध्या से करने जा रही है। इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए एक दिन पहले ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह आज अयोध्या पहुंचे, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सवाजीत सिंह और पार्टी कार्यकर्ताओं ने शहादतगंज बाईपास पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। मैं हूं और यहां पर आकर सीता माता के दर्शन, यहां सिद्धपीठ के दर्शन और साथ साथ महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला। मैं पिछले कुछ वर्षों से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी दिल्ली में और देश में जो भी काम कर पा रही है वो भगवान श्री राम के कृपा से और संतों के आशीर्वाद से कर पा रही है। संतों का आशीर्वाद है तो हमारे विचार पवित्र रहते हैं, संतों का आशीर्वाद है तो हमारा मनोबल बढ़ा रहता है तमाम बाधाओं के बावजूद, और हमें प्रेरणा मिलती रहती है कि भगवान श्री राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की, और रामराज आज भी सारी दुनिया में एक ऐसा शब्द माना जाता है, एक ऐसी भावना मानी जाती है कि उसके बाद दुनिया में कहीं भी शासन प्रशासन का उससे बढ़िया रूप दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिला, उससे प्रेरणा ली जाती है दुनिया भर में। तो आज यहाँ अयोध्या में भगवान राम का आशीर्वाद लेने आया था, और जैसा रामचरितमानस में भी कहा है कि आशीष तब अमोघ विज्ञाता, माता सीता का आशीर्वाद भी अमोघ है, तो उस आशीर्वाद को भी मैंने ग्रहण किया, मुझे मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ संतजनों का जिन्होंने अवसर दिया मुझे अपने दर्शन का और सानिध्य का, अपने आशीर्वाद। सर लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा सवाल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एआईए हो, चाहे आप हो, कभी इस बात को लेकर चर्चा नहीं की, अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर नहीं चर्चा की। आज जब मंदिर बन रहा है तो आप खुद भी यहाँ पे आए हैं, अन्य पार्टियां भी अयोध्या आ रही हैं, रामलला के दर्शन कर रहे हैं, सबको आना चाहिए, भगवान राम तो सबके सबके दिल में।